घर सजाओ सजाओ, जल्दी आरती की थाली सजाओ। अनिरुद्ध आ ही रहा होगा ना हमारी बहू पौंडिता को लेके। छोटे मालिक और बहू रानी जी नहीं आएंगे। बड़े मालिक नहीं आएंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुंशी। हाँ बड़े मालिक, अभी अभी देवपुरी से खबर आई है कि अपना गांव छोड़ के बहू रानी जी कहीं और चली गई हैं, और उनके पीछे उनको ढूंढते हुए अनिरुद्ध बाबू भी चले गए। क्या पाप हो गया हमसे? अपने हाथों से अपने राम सीता को वनवास भेज दिया हमने। मालिक आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? तो किसे दोष दे बिहारी, मैं ही हूं ना घर का बड़ा। अनिरुद्ध ने बहू को घर से निकाला तो हमें रोकना चाहिए था ना, अरे समझाना चाहिए था ना। फिर क्या किया मैंने? अपना दंभ अपना अहंकार लेके बैठा रहा। हमारे घर की रोशनी चली गई, अपने हाथों से अंधेरा कर दिया हमने। ये तुम्हारा है? नहीं, ये तो वहां पड़ी मिली थी मुझे। एक लड़की यहाँ से जा रही थी, उसकी पोटली से गिरी। पोटली? पर ये क्या है, कोई खिलौना है? नहीं, ये कोई खिलौना नहीं, ये तो वो ताकत है जिससे अपना जीवन बदल सकती हो तुम। शिक्षा की वो पहली सीढ़ी है जो औरतों को उनके अधिकारों की ओर, प्रथाओं से आजादी के दरवाजे की ओर ले जाती है। आप जानते हो उसे? नहीं जान सका, पर अब जान गया। तो ये ले लीजिए, आप उसे दे देना ये। तो यहाँ बैठ, मैं टिकट लेके आता हूँ। जब तक मैं आऊँ ना, कहीं जाना मत, समझी? पैसा दो और ले लो। पर पैसे तो नहीं है। पत्रिका मुफ्त में लेनी है? क्या लगता है तुम्हारे पति की दुकान है? पर इसमें पति बाबू का चित्र भी तो है। वही वाला कागज दे दीजिए ना मुझे, बाकी की पत्रिका आप रख लीजिए। ऐसी फटी हुई पत्रिका कोई पागल ही लेगा मुझसे? तुम जाओ, काम करने दो मुझे। पैसे तो नहीं दे सकती हूँ मैं, पर काम कर सकती हूँ मैं। आपकी ये
दुकान साफ कर दूंगी मैं। उसके बाद पति बाबू की चिते वाला कागज दे दीजिएगा ना मुझे। परेशान मत कर, जा। ये जिद कर रही थी तो हीरा मोती तो नहीं मांग लिया ना। और मांग भी लेती तो क्या, इसे तो सब मिलेगा। ताराबाई का आसमान है ये, यहां हर औरत को सितारा समझा जाता है, पांव की जूती नहीं। लेकिन ये लड़की बोंदिता, मैं आ गया हूं। तेरा नाम क्या है सोना? बोंदिता। पर आप कौन हो? आपकी जैसी औरत पहले नहीं देखी मैंने। क्यों, दो दो नाक है क्या मेरी? क्या छुपे हुए नुकीले दांत देख लिए तूने? दांत नुकीले नहीं है, पर आवाज में बहुत दम है आपकी। वरना मेरे गांव में तो मेरी माँ और बहन की तरह सब विनम्र औरतें ही देखी है मैंने। सब अपने पल्लू पकड़े दिन भर काम करती रहती है और अपने आदमियों से भी डरती रहती है। पर आप सबसे अलग है और सबसे अलग दिख रही है। आपके कपड़े अलग हैं, बर्ताव भी अलग है आपका, जिस तरह लात मारी आपने उनको। इस घर के बड़े मालिक जैसी लगी आप। हाँ, मेरा घर है ये, समझी? और मैं यहाँ की बड़े मालिक नहीं, बड़ी मालकिन हूँ। यहाँ किसी आदमी का नहीं, औरत का, तारा का सिक्का चलता है। अरे इधर आ तो, सुना के गाल कितने पिचक गए। कुछ खाया नहीं तूने? खाएगी? हाँ। नहीं। अभी भी पराया समझ रही है मुझे सुरैया? ए, कहाँ मर गई? अरे सोना के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। अरे मैया, सामान लेकर जा इसका। ये लो, खा लो। लाओ अपनी पोटली मुझे दे दो। एक जैसे दो जादू।
दादू नहीं है सोना, जुड़वा बहने।